नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस आपका आप जानते हैं चैनल के अंदर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज का ट्यूटोरियल है बिटकॉइन। और डिफरेंट कंट्री या क्या सोच रही है बिटकॉइन के रेगुलेशन के बारे में, और क्रिप्टो एक्सपर्ट क्या बता रहे हैं बिटकॉइन के 2080 के फ्यूचर के बारे में, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। और आपको ये वीडियो के बाद में मैं आपको तीन चार कॉइन सजेस्ट करना चाहूंगा जो आप परचेस करके भूल जाने का है उसको, और 2080 के दिसंबर के अंदर आप अगर बेचोगे तो एटलीस्ट आप फाइव टाइम्स प्रॉफिट कमा सकते हो। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के अंदर पहली बार आए हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं ऑनलाइन अर्निंग के रिलेटेड वीडियो बेचता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। चलिए पहले हम देखते हैं क्रिप्टो एक्सपर्ट क्या प्रेडिक्ट करते हैं 2080 के रिगार्डिंग। तो क्रिप्टो एक्सपर्ट बोलते हैं कि 2080 का अप टू दिसंबर बिटकॉइन, हमारा बिटकॉइन डॉलर 50,000 डॉलर के आसपास होगा और ओवरऑल मार्केट कैप $1 ट्रिलियन होगा। तो आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि अभी अराउंड 8,000 के आसपास चल रहा है बिटकॉइन। दोस्तों इसके अंदर बिटकॉइन के अंदर मेजरली प्रॉब्लम ये होता है कि जब भी कोई कंट्री हमको लाइक बैड न्यूज देती है तो सब लोग पैसा निकालने लगते हैं पैनिक की वजह से, और बिटकॉइन का डाउनफॉल चालू हो जाता है। और अगर जब भी पॉजिटिव न्यूज आते हैं तो मीडिया वाले और सब लोग पॉजिटिव न्यूज मार्केट के अंदर थ्रो करते हैं तो बिटकॉइन ऑटोमेटिक ऊपर आने लगता है। और यहाँ देख सकते हो आप यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया, वी बिलीव आफ्टर फेब्रुआरी द मार्केट विल लाइकली टू गो बुल रन कॉम्प्रिहेंसिव इफ नॉट ग्रेटर देन लास्ट ईयर पोटेंशियली रीचिंग द $1 ट्रिलियन मार्क बिफोर अ प्रॉपर क्रिप्टो विंटर सेट्स in where the market becomes more focused on the proper market fundas. Or there is no reason why we could not see Bitcoin pushing to $50,000 by December. So, दोस्तों अगर कोई भी चीज के अंदर अगर आपको पैसा बनाना है तो थोड़ा रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। अगर आप रिस्क लोगे तो ही पैसा बना पाओगे, अगर रिस्क नहीं लोगे तो पैसा नहीं बनेगा। ओके, अभी हम डिस्कस करेंगे कि डिफरेंट कंट्री या क्या प्लानिंग कर रही है बिटकॉइन रेगुलेशन के बारे में। तो पहले हम नजर डालते हैं साउथ कोरिया, क्योंकि मेन हब बोला जाता है साउथ कोरिया और चाइना बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के रिगार्डिंग। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि वो लोग को रेगुलेशन लाना चाहते हैं कि कुछ ना कुछ ओवरऑल कंट्री यार वर्ल्ड के रिगार्डिंग रेगुलेशन होना चाहिए, क्योंकि डे बाय डे इसका मार्केट कैप इतनी बढ़ गई है कि सब लोगों को रेगुलेशन के बारे में सोच रहे हैं। अगर सब लोग रेगुलेशन के बारे में सोच रहे हैं तो उसका मतलब है कि डेफिनेटली ये लीगल हो जाने वाली है करेंसी, और सब डिजिटलाइजेशन हो जाने वाला है। उसके बाद में देखते हैं जापान। तो आपको पता है कि जापान में तो ऑलरेडी स्टोर पेज चालू कर दिया है पेमेंट लेने को, बिटकॉइन और ईटीसी के दोनों के अंदर वो लोग पेमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं। और उसके अंदर एयरलाइंस ने भी कंफर्म किया है कि बीटीसी फ्यूचर में बीटीसी पेमेंट का ऑप्शन अवेलेबल होगा। यहाँ पे आप देख रहे हो कि पीच एविएशन और लो कॉस्ट एयरलाइन जापान हैज कंफर्म दैट देयर प्लान टू अलाउ बिटकॉइन एज अ पेमेंट इज ओनली डिले नॉट कैंसल्ड। इट्स डिले नॉट कैंसल, वो लोग प्लानिंग कर रहे थे और वो लोगों ने डिले किया है, और वो अप्रैल के आसपास तक वो हो जाएगा शायद। और आप देख रहे हो यहाँ पे यूरोपियन सेंट्रल बैंक भी डिजिटलाइजेशन के रिगार्डिंग सोच रही है। उसके बाद में हम देखते हैं रशिया के रिगार्डिंग, क्या रशिया में रेगुलेशन के लिए क्या डिस्कशन हो रहा है। तो अगर आप देख रहे हो कि यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के जरिए वो लोग भी अ कॉमन अप्रोच डिसाइड कर रहे हैं कि भाई कुछ तो रेगुलेशन होना चाहिए
क्योंकि इसके अंदर इन्वेस्टर बहुत ज्यादा होने हो रहे हैं, और ये वर्चुअल करेंसी है और डिजिटल करेंसी है। तो आप देख सकते हो रशिया प्राइम मिनिस्टर डिमिट्री महादेव सॉरी मेडवेद अर्ज द कंट्री ऑफ यूरोशियन इकोनॉमी ईएयूयू टू डेवलप अ कॉमन अप्रोच टू क्रिप्टो करेंसी The digital agenda of ERA of Globalization Forum on Friday, he expressed the necessary bringing together and approaches to cryptocurrency within the framework of EAEU. So almost आप देख रहे हो कि सभी कंट्री या उसके रेगुलेशन के बारे में सोच रही है, तो उसका मतलब है definitely Bitcoin legal हो जाने वाला है। अगर इन इंडिया की बात करें तो अभी इंडिया में ऐसी कोई न्यूज नहीं है कि ये लीगल है या लीगल नहीं है। अगर फाइनेंस मिनिस्टर भी बोल रहा है कि अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपके आपके रिस्क पे कीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़ा डेफिनेटली बजट के बाद थोड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया था, लेकिन वो अभी करेक्ट होके मार्केट अप डायरेक्शन होने की चालू हो गई है। तो आप देख रहे हो कि बिटकॉइन के बारे में यूरोप का भी कोई ना कोई रेगुलेशन सोच रहे हैं यूरोप वाले भी। तो डेफिनेटली दोस्तों हम आशा करते हैं कि बिटकॉइन आने वाले भविष्य के अंदर बहुत पैसा कमा के हमको देने वाली है। हमको खाली एक चीज करनी है, थोड़ा हमारा पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करके थोड़ा रिस्क लेके थोड़ा इन्वेस्ट करके यहाँ पे हमको छोड़ देना है, और आफ्टर 10 मंथ्स हमको वो पैसा देखने का है। तब तक फरवरी से लेके दिसंबर के बीच में पैसा हमारा प्लस माइनस होता रहेगा, पर डेफिनेटली दिसंबर तक $50,000 डेफिनेटली पहुंच जाएगा, वो फॉर श्योर है। और दूसरा मैं आपको बताने वाला हूँ कि कौन कौन सी करेंसी के कौन कौन सी कॉइन के अंदर हमको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो दोस्तों पहला कॉइन है इथेरियम, और आपको इथेरियम अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि मैं 5 लाख रुपीज इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 2-3 इथेरियम लेके भूल जाने का उसको, बाद में उसकी एक्सपेक्टेशन अराउंड $5,000 है। बिटकॉइन के बाद में इथेरियम काफी चर्चे में है, और उसके बाद में आप दूसरा कॉइन इथेरियम क्लासिक, बिकॉज वो इथेरियम क्लासिक को इथेरियम का हार्ड फॉर्क है। तो जब इथेरियम बढ़ेगा तो इथेरियम क्लासिक डेफिनेटली ऊपर जाने वाला है। उसके बाद में है वर्ज कॉइन, वर्ज कॉइन का एक्सपेक्टेशन ये है कि ये दिसंबर तक $1 हो जाएगा। उसके बाद में है इलेक्ट्रॉनियम, तो इलेक्ट्रॉनियम का भी डेफिनेटली $1 के आसपास में ये मार्च के आसपास पहुंच ही जाएगा। और आप देख सकते हो कि बिटकॉइन के अंदर इतनी गिरावट आई, लेकिन इथेरियम के अंदर इतनी गिरावट नहीं आई है एज कम्पेयर टू बिटकॉइन इन आई एम टॉकिंग अबाउट इन परसेंटेज। तो दोस्तों उसके बाद में एक दूसरा कॉइन है ADA कार्डानो। तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया था कि आप ADA परचेस करके रख दो अभी, और अभी राइट टाइम है परचेस करने का। अगर आप परचेस कर लो और बहुत बहुत कम प्राइस में है, और आप परचेस करके दिसंबर के अंदर आप बेचोगे तो डेफिनेटली 20-30 टाइम्स आप प्रॉफिट कमा सकते हो। तो दोस्तों मैंने 5 कॉइन बताए, इलेक्ट्रॉनियम सॉरी फर्स्ट है इथेरियम, सेकंड है इथेरियम क्लासिक, उसके बाद में है वर्ज, उसके बाद में है कार्डानो, और पांचवा है इलेक्ट्रॉनियम। आप अगर ये पांच कॉइन के अंदर एक अमाउंट आप इन्वेस्ट करके अगर दिसंबर के बाद में ओपन करोगे, डेफिनेटली आपको 10-20 टाइम्स मिलेगा, डेफिनेटली इट्स माय प्रॉमिस। धन्यवाद दोस्तों आपका समय देने के लिए। अगर आप मेरा वीडियो पहली बार सुन रहे हो तो आप इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मैं ऑनलाइन अर्निंग और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड वीडियो आपको भेजता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।